पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नागपुर में होने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 7 जून को होने वाले इस कार्यक्रम के लिए आरएसएस की तरफ से पूर्व राष्ट्रपति को न्योता भेजा गया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गुनी संवाददाता आदेश रावल। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 7 जून को आरएसएस के प्रोग्राम में नागपुर जाएंगे। इससे पहले संघ ने उन्हें निमंत्रण भेजा था, जिसकी आज उन्होंने पुष्टि कर दी कि हाँ, वो 7 जून को नागपुर जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में एक तबका इस बात का विरोध करने में लगा है कि क्योंकि प्रणब मुखर्जी का जो पूरा इतिहास है वो कांग्रेस का रहा है, उन्होंने इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी सबके साथ काम किया है, तो ऐसे में उनको ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए। दूसरा, राहुल गांधी लगातार संघ के ऊपर सवाल खड़े करते आए हैं और कहते हैं कि आरएसएस की जो विचारधारा है वो बांटने वाली है। इसके अलावा 2 ऐसे केसेस हैं जिनमें भिवंडी और असम में, जहाँ आरएसएस ने उनके ऊपर कोर्ट में केस किया हुआ है और जहाँ राहुल गांधी को खुद पेश होना पड़ता है। तो इस बात को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि प्रणब मुखर्जी ऐसा फैसला कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी तरफ से ये कहा गया है, प्रणब मुखर्जी के जो नज़दीकी सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि क्योंकि वो राष्ट्रपति रह चुके हैं तो अब उनका कोई नाता किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि प्रणब मुखर्जी के बेटे कांग्रेस से लोकसभा सांसद रहे हैं और फिलहाल उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी दिल्ली कांग्रेस महिला की अध्यक्ष हैं। इससे पहले जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे तो उन्होंने खुद मोहन भागवत को लंच पे बुलाया था और वो आए भी थे। फिलहाल इस मामले में कंट्रोवर्सी बनी हुई है। प्रणब मुखर्जी 7 तारीख को जो कॉन्क्लेव, तृतीय वर्ष का जो कॉन्क्लेव आरएसएस का नागपुर में हो रहा है, उसमें हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। दिल्ली से आदेश रावल, को न्यूज़।